नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना द लक्ष्मी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का चीला। तो आइए देखते हैं कि बेसन का चीला बनता कैसे है, इसमें कौन कौन सामग्री लगती है, जो कि बहुत टेस्टी होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत हेल्दी होता है। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम छना हुआ बेसन जो कि चने का है, एक मध्यम आकार का बारीक कटी हुई प्याज, तेल गार्निश करने तेल चिकनाई के लिए, धनिया पत्ता बारीक कटी हुई, एक मध्यम आकार का टमाटर बारीक कटी हुई, दो मिर्ची बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच गरम मसाला, एक चुटकी हींग। तो दोस्तों सबसे पहले हम बाउल में बेसन को रख लेंगे। और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाएंगे, जिससे कि इसकी गुठली गुठली बिल्कुल मिक्स हो जाए। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, इकट्ठे पानी डालेंगे तो बेसन का घोल जो है वो गीला हो जाएगा। ये देखिए ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन का घोल बनके बिल्कुल रेडी है। देखिए ये ना बहुत गाढ़ा रहेगा ना बहुत पतला रहेगा। अब हम इसे मिला देंगे बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, इसको फिर मिक्स कर लेंगे, हींग, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और हम इसमें आधे चम्मच डाल देंगे नमक। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और हम इसमें मिला देंगे धनिया, देखिए धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों पैन में ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लें। इसमें डाल के इसको ऐसे फैला लें। देखिए एक साइड का पक गया है, अब हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। देखिए कितना सुंदर चीला बन के बिल्कुल रेडी है। दोस्तों थोड़ा तेल तो लगाना ही पड़ता है जिससे कि ये चीला अच्छे से पक जाए। देखिए एक तरफ पक गया था, मैं उसको पलट दी थी, अब ये इधर देखिए, ये देखिए चीला बन के बिल्कुल रेडी है। दोस्तों ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पक के रेडी हो जाता है।
तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अपने घर में बेसन का चीला बनाएं कम समय में और कम सामान में। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक मेरा चैनल द लक्ष्मी किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।